हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट, और ए पार्ट में हमें दिया गया है आर यानी रेडियस इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स है स्टूडेंट्स, और तीनों पार्ट्स में हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ए पार्ट में रेडियस हमें दी गई है 14 मिलीमीटर, और हमें यह भी बताया गया है कि हमें पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो यहां पर हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के पाई आर स्क्वायर के बीच में यानी यहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, और आर स्क्वायर का मतलब होता है आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो पाई की जगह यहां पर हम लिखेंगे 22/7, उसके बाद यहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और आर स्क्वायर की जगह यहां पर हम लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अब देखिए स्टूडेंट्स, 14 और 7 को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर 7 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 7 से काटेंगे। अब देखिए 7 1 जा 7, और यहां पर देखिए 7 2 जा 14। अब यहां पर बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14। जब आप 22, 2 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 616। तो यहां पर आप लिखेंगे 616 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस सर्कल का एरिया हमें मिल गया है 616 मिलीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट में हमें रेडियस नहीं दी गई है बल्कि सर्कल का डायमीटर दिया गया है, डायमीटर इज इक्वल टू 49 मीटर। लेकिन अगर हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो हमें रेडियस का पता होना चाहिए। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि सर्कल की जो रेडियस होती है वो सर्कल के डायमीटर की हाफ यानी के आधी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये रेडियस है और ये डायमीटर है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। अब ये आर यहां पर एज इट इज आ जाएगा, ये इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। डी यानी डायमीटर की जगह यहां न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 49, क्योंकि डायमीटर हमें दिया गया है 49 मीटर। अपोन में ये 2 है, अपोन में ये 2 एज इट इज आ जाएगा, तो रेडियस हमें मिल गई है 49/2 मीटर। अब अगर हम 49 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर डेसिमल में आएगा, तो उससे कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम इस रेडियस को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो रेडियस को हम यूज करेंगे 49/2 मीटर। अब हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के बीच में यानी यहां मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पाई की जगह यहां पर हम लिखेंगे 22/7, उसके बाद यह मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और आर स्क्वायर का मतलब होता है आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो आर स्क्वायर की जगह यहां पर हम लिखेंगे 49/2 मल्टीप्लाई बाय 49/2, क्योंकि रेडियस हमें मिली है 49/2 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, 49 और 7 को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर 7 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 7 से काटेंगे। अब देखिए 7 1 जा 7, और यहां पर देखिए 7 7 जा 49, और यहां पर देखिए 22 और 2 को भी सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 1 जा 2, और यहां पर देखिए 2 1 जा 2, ये 2 बचा, 2 1 जा 2। अब यहां पर बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 49, तो यहां न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 49, अपोन में ये 2 है तो अपोन में ये 2 एज इट इज आ जाएगा। और जब आप 11, 7 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3773। तो यहां न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 3773, अपोन में ये 2 है तो अपोन में ये 2 आ जाएगा। और जब आप 3773 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 1886.5। तो यहां पर आप लिखेंगे 1886.5 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि 3773 को 2 से डिवाइड कैसे करते हैं। 2 1 जा 2 होता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहां से 7 आ जाएगा। अब ये 17 बन गया,
टू एट जा 16 होता है। 17 में से 16 माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहां से ये 7 आ जाएगा। अब ये 17 बन गया, 2 8 जा 16 होता है। 17 में से 16 माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहां से ये 3 आ जाएगा। अब ये 13 बन गया, 2 6 जा 12 होता है। 13 में से 12 माइनस करेंगे 1 बचेगा, अब ये 1 2 से छोटा है तो यहां पर हम डेसिमल लगाएंगे और यहां पर 0 आ जाएगा। अब ये 10 बन गया, 2 5 जा 10 होता है। 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो जब हमने 3773 को डिवाइड किया 2 से तो हमें मिला 1886.5। तो इस सर्कल का एरिया हमें मिल गया है 1886.5 मीटर स्क्वायर। सी पार्ट में हमें रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह यहां पर हम लिखेंगे 22/7, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। आर स्क्वायर की जगह यहां पर हम लिखेंगे 5 × 5। अब हम 22, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 550। तो यहां न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 550, अपॉन में ये 7 है तो अपॉन में ये 7 एज इट इज आ जाएगा। 550 7 से डिवाइड नहीं होता है तो हम इस सॉल्यूशन को यही रोक देंगे, यही हमारा आंसर है। तो इस सर्कल का एरिया हमें मिल गया है 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।